गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दसम वर्ग की संस्कृत की कक्षा में प्रत्यय चैप्टर पढ़ा करके भेज रहा हूं। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं। प्रत्यय प्रति जोड़ ऐ से मिल करके बना है। प्रत्यय यन संधि का उदाहरण हो सकता है। प्रत्यय वैसे शब्दांश होते हैं, शब्द के एक टुकड़े होते हैं, खंड होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी भाषा में प्रत्यय पढ़ना हो वो शब्द के अंत में ही लगता है, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। प्रत्यय शब्द का एक टुकड़ा होता है, एक खंड होता है, जो हमेशा शब्द के बाद में लगता है। जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से पठितुम बना, पढ़ने के लिए। गम धातु में कत प्रत्यय लगा तो गतह बना, गया। ये भूतकाल की क्रिया बन गई। अब आइए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के ऐसे तो 3 भेद हैं, लेकिन हम लोगों को 2 ही पढ़ना है और इसमें भी कुछ सिलेबस हटा दिए गए हैं। तो जो पढ़ना है उसमें हमें तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। तत् जोड़ हित से तद्धित बना है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, अव्यय, क्रिया इत्यादि बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया इत्यादि में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जब भी लगेंगे तो शब्द के साथ ही लगेंगे, धातुओं के साथ नहीं लगते हैं। जैसे सिल, सिल संज्ञा शब्द है, मतु प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर दिखाया गया है कि सिलवान शब्द बन गया, जो विशेषण हो गया, सिल वाला, आचरण वाला। आइए मतु प्रत्यय के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ ही किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रयोग के बाद मत शेष बचता है। जैसे सिल जोड़ मतु सिलवत, मूल शब्द सिलवत बना है लेकिन पुलिंग में वान जुड़ जाता है सिलवान, स्त्रीलिंग में वती जुट जाता है सिलवती, और नपुंसक में वही मूल शब्द ही रह जाता है सिलवत, यानी आचरण वाला। तो वान, वती, वत बनता है और किसी किसी में जोड़ने से मतु प्रत्यय में वान, वती, वत के जगह पर मान, मति, मत बन जाता है। जैसे उदाहरण दिखाया गया है बुद्धि जोड़ मतुप, बुद्धिमत मूल शब्द बना है लेकिन यहाँ पर मान जुट गया है पुलिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में मति, और नपुंसक में ज्यों कहते हो वही मूल शब्द बुद्धिमत ही रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग यही पढ़े कि मतु प्रत्यय के जोड़ने के बाद शब्द के अंत में तो लगता ही है, जैसा कि पहले मैंने चर्चा कर दिया है, और मतु प्रत्यय जोड़ने के बाद मत शेष बच जाता है या वत शेष बच जाता है। तो इसमें मतु प्रत्यय जोड़ने में मान, मति, मत या वान, वती, वत बचता है, अंत में पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हो जाते हैं। अब आइए दूसरा त्व प्रत्यय पढ़ना है। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए संस्कृत में किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रयोग के बाद त्वम शेष बच जाता है। इस प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द नपुंसक लिंग एक वचन के हो जाते हैं और इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ ही होता है, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया। खेद शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से खेदत्वम बना है, खेद माने दुख होता है। उसी तरह से देव शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से देवत्वम शब्द का निर्माण हुआ है। अब आइए स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में मात्र एक टाप प्रत्यय पढ़ना है, यानी पुलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है या उन्हें हम स्त्री प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। तो स्त्री प्रत्यय में हम लोगों को टाप प्रत्यय पढ़ना है, जो अंत में आकार बना देता है। टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है। इस प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है, यानी ट और प हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं और उनके बदले में आस शब्द शेष बच जाता है, यानी आकार की मात्रा लग जाती है। जैसे कोकिल जोड़ टाप कोकिला, यहाँ देख रहे हैं कि ल में आकार लग गया है, जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। चटक जोड़ टाप चटका,
अज माने बकरा होता है, अजा टाप जोड़ेंगे तो अजा बन जाएगा, अकार की मात्रा लग जाएगी, बकरी हो जाएगा। उसी तरह से और भी उदाहरण देखेंगे तो अश्व माने घोड़ा, अश्व प्लस टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अश्वा, अश्व में एक आकार की मात्रा अंत में लग जाएगी, अश्वा हो जाएगा, जो घोड़ी शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बना देगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि टाप प्रत्यय के अंत में आ बनता है, आकार की मात्रा लग जाती है, और कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में टाप प्रत्यय काम करता है, स्त्री प्रत्यय है। तो इससे सिलेबस में प्रत्यय के चैप्टर में हम लोगों को तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और त्व प्रत्यय पढ़ना है, और स्त्री प्रत्यय में आप लोगों को केवल टाप प्रत्यय ही पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप सभी अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।